नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, इस समय की लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आपको खबर बताते चलें दोस्तों, 2019 चुनाव के पहले बालाकोट करवाने वाली भाजपा 2022 के पहले दंगे करवा सकती है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू एक बार फिर सुर्खियों में है। मार्कंडेय काटजू पहले से ही अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। 5 जून 2021 की तारीख को एक लेख उन्होंने प्रकाशित कराया है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि टीवी पत्रकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा की लोकप्रियता कम हुई है और इसका कारण है कोरोना महामारी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे। इन्हीं मुद्दों की वजह से भाजपा का जनाधार कमजोर हुआ है। ये पत्रकार फरवरी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में अटकलें लगा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा की दुर्दशा होगी। काटजू ने आगे अपने लेख में लिखा है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में पिछले महीने हुए पंचायत चुनाव में देखा गया, लेकिन अभी भी चुनाव में 8 महीने का वक्त बचा है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा कि जैसे 2019 चुनाव के पहले बालाकोट करवाने वाली भाजपा 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दंगे करवा सकती है। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई थी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत